हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जनरल अवेयरनेस। साइक्लोन को डिफरेंट डिफरेंट नाम से पुकारते हैं। साइक्लोन को इंडिया इंडियन ओशन में अगर आए तो साइक्लोन को साइक्लोन ही बोलते हैं। हरिकेन और टॉर्नेडो यूएसए में बोलते हैं। टाइफून को बोलते हैं चाइना और जापान में। विली विली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। सो ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। हाईएस्ट पीक इंडिया का है कंचनजंगा। अगर यो के को भी इंक्लूड करें तो के टू बनता है। सो साउथ इंडिया का है अनामलाई हिल्स। वेस्टर्न घाट्स के हैं, वेस्टर्न घाट का अनामुडी हाईएस्ट पीक जो है। ईस्टर्न घाट की है अरमाकोंडा, जैसे जिनका गढ़ा पीक भी बोलते हैं, जिनका गढ़ा पीक और अरमाकोंडा ईस्टर्न घाट्स, ये आपने याद रखना। अन्नामुड़ी हिल्स जो है वेस्टर्न की, ईस्टर्न की है जिंदा गढ़ा और अरमाकोंडा। नीलगिरी की है डोडा बेटा। सतपुरा रेंज की है धूपगढ़ याद रखना। सतपुरा की अरावली की है गुरु शिखर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मिनिमम एज फॉर कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज। मिनिमम एज कितनी चाहिए? प्रेजिडेंट को चाहिए 35 ईयर्स, वाइस प्रेजिडेंट को भी 35 ईयर्स। फिर आता है एमएलए को चाहिए 25 साल, एमएलसी को चाहिए 30 साल, मेंबर ऑफ लोकसभा 25 साल, एमएलए और जो लोकसभा होता है ना उसको 25-25 साल ही चाहिए। जो फिर आता है मेंबर ऑफ राज्यसभा जिसको 30 साल चाहिए, जो राज्यसभा एमएलसी है ना इसको चाहिए 30 साल, प्रेजिडेंट को चाहिए 35 और वाइस प्रेजिडेंट भी 35, लोकसभा एमएलए को चाहिए 25 साल। फिर आते हैं रिटर्न, इंपॉर्टेंट रिटर्न हैं और ये एग्जाम्स में आते आते हैं गारंटेड। हिबस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। किसी को बिना किसी वारंट के अगर पुलिस उठा ले उसको कोर्ट में पेश करना होता है 24 आवर्स के अंदर अंदर। तो इसके लिए अगर नहीं करे पुलिस तो वो कोर्ट में सीधे रिट लगा सकते हैं हिबस कॉर्पस की, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, फिर आ गया मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। इसमें क्या होता है कि टू ऑफिशियल्स हु फेल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। सो ये ऑफिसर्स कोर्ट जो है वो ऑफिसर्स को बोलती है कि टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, अगर कोई फेल हो जाए उसके खिलाफ कोई भी कमांड जारी की जाती है। फिर आता है प्रोहिबिशन टू फॉरबिड। तो ये जो रिट होती है इसमें तो हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट में लगती है टू प्रिवेंट द लोअर कोर्ट एक्सीडिंग हिज ज्यूरिडिक्शन। अगर वो एक्सीड कर रहा है अपनी किसी ज्यूरिडिक्शन को तो वो हायर कोर्ट उसको रोक लगा सकती है। फिर आता है सर्चरी। इसमें क्या होता है टू बी इन्फॉर्म हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर केस, अगर कोई पेंडिंग केस है जहाँ उसको जहाँ वो कॉश भी कर सकती है आर्डर को, लोअर कोर्ट की आर्डर को सर्चरी हायर कोर्ट। फिर आता है क्यू वारंट बाय व्हाट अथॉरिटी, इसका मतलब होता है किस अथॉरिटी से आपने लेने लिया। इशूड बाय कोर्ट इशूड, ये क्यू वारंट होता है इशूड बाय कोर्ट टू प्रिवेंट इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर ऑफ ए पब्लिक ऑफिस बाय पर्सन। किसी पब्लिक ऑफिस को इलीगली किसी बंदे ने अगर कब्जा लिया ना तो उसको लगता है क्यू वारंट। फिर नेक्स्ट है हमारे स्लोगन, इंपॉर्टेंट स्लोगन कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। जैसे पहला स्लोगन है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, सो ये बोला था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। फिर आता है जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने। स्पीक लेस वर्क मोर, संजय गांधी जी ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा ऊंचा रहे झंडा हमारा, श्याम लाल गुप्ता जी ने। क्यूट इंडिया महात्मा गांधी, हिंदी हिंदुस्तान भारत हिंदू हरिश्चंद्रा जी ने। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने। एवरी लाठी ब्लो इन्फ्लिक्टेड ऑन माय बॉडी विल प्रूफ अ नेल इन द ब्रिटिश कॉफिन, ये बोला था लाला लाजपत राय ने, क्योंकि इनके ऊपर डंडे से ये किया था इन्होंने, डंडे मारे अपने ब्रिटिशर्स ने। सो जय हिंद का दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। डू ऑर डाई महात्मा गांधी जी ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम। यथा जनगण मन अधिनायक जय रविंद्रनाथ टैगोर, सर्विस ऑफ पीपल सर्विस ऑफ गॉड विवेकानंद जी ने। ट्रुथ एंड नॉट वायलेंस ऑल माय गॉड महात्मा गांधी। फिर आता है कुछ बाउंड्री लाइन्स इंपॉर्टेंट, जैसे ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में इंपॉर्टेंट ड्यूरेंट लाइन है। फिर आता है हिंदबर्ग लाइन, ये आती है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, मैकनॉट लाइन जर्मनी फ्रांस। फिर आता है मैनी हेरन लाइन रशिया फिनलैंड के बीच में, मैकमोहन लाइन, ये आपने याद रखना इंडिया और चाइना के बीच में, मैकमोहन रेड क्लिफ पाकिस्तान इंडिया, तो मैकमोहन आपने याद रखो कि ये आगे अपनी चाइना के साथ। फिर आता है क्लिफ रेड खतरे की घंटी, इसको आप इंडिया पाकिस्तान हमेशा हमले करते हैं। फिर आता है सिगफ्रिड जर्मनी और फ्रांस, मैकमोहन लाइन ड्यूरेंट लाइन भी याद रखो आप, क्योंकि अपनी नेबरिंग कंट्री है ना पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट लाइन, मैकमोहन चाइना, रेड क्लिफ आ गया अपनी पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट आप हम इंपॉर्टेंट देखते हैं। हाँ, फिर आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे शॉर्टकट कीज होती हैं कंप्यूटर में, वो भी पूछ लेते हैं कभी कभी। कंट्रोल ए से क्या होता है ऑल टैक्स, ए मतलब ऑल टैक्स, बी मतलब बोल्ड, सी फॉर कॉपी, सी ए का कंट्रोल बी, ये होता है पेस्ट, कॉपी पेस्ट आप सीधे जाओ या यूज भी करते होंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कंट्रोल बी से पेस्ट। फिर होता है डी से क्या होगा डायलॉग, ये आप जाओ फ्रंट डायलॉग, कंट्रोल डी फ्रंट डायलॉग, डी फॉर डायलॉग। ई को आगे आपका सेंटर करता है ये टैक्स को, सी एन टी ई आर, ई पे स्ट्रेस दो सेंटर। फिर आता है एफ, एफ क्या करता है फाइंड बॉक्स, फाइंड एफ फॉर फाइंड, एफ फॉर फाइंड, ई फॉर सेंटर, F फॉर फाइंड, G फॉर गो टू कमांड, G फॉर गो 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 गो, ये आप याद रखो G फॉर गो टू कमांड। फिर आता है H, H का क्या बनेगा इसमें फाइंड एंड रिप्लेस कमांड, H को याद रखो फाइंड एंड रिप्लेस कमांड। फिर आता है I, I फॉर इटैलिक्स, ये आपको याद होगा, J फॉर जस्टिफाई टैक्स, J फॉर जस्टिफाई, I फॉर इटैलिक्स, H फॉर फाइंड एंड रिप्लेस कमांड। मतलब कि H को आप ऐसे याद कर सकते हो कि H कंट्रोल H, मतलब कि एक हिस्सा करेगा फाइंड दूसरा हिस्सा करेगा रिप्लेस, ऐसे कर लो याद, क्योंकि H है ना ऐसे है, इसको हमने काट दिया, F फॉर फाइंड बन गया ऊपर, इमेज बना लो अपने दिमाग में, रिप्लेस कमांड फाइंड एंड रिप्लेस कमांड। आई फॉर डायरेक्ट, जे फॉर जस्टिफाई, के फॉर क्या आएगा, ए फॉर हाइपर लिंक, लिंक को याद रखो आप गए थे हाइपर लिंक। फिर आगे लेफ्ट अलाइनमेंट एल, एम आ गया आपका इंडेंट पैराग्राफ और सिलेक्टेड टेक्स्ट, सो जो हमारा एम है उसका मतलब इंडेंट पैराग्राफ और सिलेक्टेड टेक्स्ट। इंडेंट का मतलब होता है टू सेट इन फ्रॉम द मार्जिन टू नॉच द एज, मेक मतलब आगे चलने को बोलते हैं इंडेंट पैराग्राफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल एन गोज टू न्यू ब्लैंक कॉलम, एन फॉर न्यू, ये आप याद रखो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, न्यू खोलो, एन फॉर न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन, ओ फॉर ओपन, ओपन एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट,
कंट्रोल पी फी फॉर प्रिंट या याद है ना, या यूज़ में कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। क्यू से होता है क्लियर द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द रूलर, क्लियर क्यू लेयर ऐसे याद रखना, क्लियर द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द रूलर। आर फॉर राइट, एल फॉर लेफ्ट, एस फॉर सेज द डॉक्यूमेंट या यूज़ करते हो। टी फॉर क्रिएट्स हैंडिंग इंडेंट, हैंडिंग इंडेंट और पैराग्राफ वाला डेंट था वो था एम, ठीक है ये आ गया ना आपका एम। क्रिएट्स हैंडिंग इंडेंट, सो फिर आ गया यू फॉर अंडरलाइन, यू से अंडरलाइन हो गया आपका अंडरलाइन यू। बी फॉर पेस्ट आपको बता दिया। डब्ल्यू फॉर आ गया क्लोज द डॉक्यूमेंट, क्लोज द डॉक्यूमेंट। एस फॉर कट, फिर आता है वाई फॉर रीडू, जेड फॉर अंडू। वाई फॉर रीडू ये आपको आपने यूज़ किया होगा, देखो जितनी बार यूज करोगे उतना याद होगा। फिर नेक्स्ट टाइम हमारा चीफ मिनिस्टर कौन कौन से हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी, रेड्डी जी हमारे आंध्र प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खंडू, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, बिहार का नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल, दिल्ली का आपको पता ही है बोलने की जरूरत नहीं है, गोवा का श्री प्रमोद सावंत, गुजरात का भूपेंद्र पटेल, हरियाणा का मनोहर लाल जी, जयराम ठाकुर अभी चेंज हो गए पृथ्वी सिंह का, सो झारखंड का हेमंत सोरेन, कर्नाटका का है बसवा विराज बोमाई, उत्तराखंड पुष्कर सिंह दामी दामी जी। फिर आगे हमारे त्रिपुरा के हैं माणिक साहा, तमिलनाडु एम के स्टैलिन, एम के स्टालिन ऋषि नेम स्टैलिन, सो अशोक गहलोत आगे राजस्थान के। फिर नेक्स्ट हमारा एक आता है चीफ मिनिस्टर, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। फिर लास्ट है मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान जी आपको पता होगा, शिवराज सिंह चौहान बहुत बड़ा नाम सुनते हो। पिनाराई विजयन केरला के, एक आप याद कर लो तेलंगाना स्टेट बनी ना, तेलंगाना का याद रखो के सी राव, ऐसे लिखो के सी राव, के चंद्रशेखर राव। फिर आता हमारा विटामिन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है विटामिन, क्योंकि बड़े एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस में ये आते रहते हैं। तो विटामिन का ए जो है आज नेत्र के रेटिनोल बोलते हैं इसको साइंटिफिकली, नाइट ब्लाइंडनेस या आपको पता होगा, रात को जो दिखता नहीं है, हाइपर पेरियोटोसिस, हाइपर पेराटोसिस। विटामिन बी थायमिन, थायमिन वेरी वेरी होती है, विटामिन सी से स्कर्वी होती है, स्कॉर्बिक एसिड। डी फॉर कैल्सिफ्लोर, कैल्शियम से होता है, कैल्सिफ्लोर रिकेट्स होता है चलने में, ऑस्टियोमलेसिया होता है एडल्ट्स में। ई से आला टोकोफेरोल, स्केलेटिन फर्टिलिटी हो जाती है। के से फाइलोक्विनोन, क्यूनोन, फाइलोक्विनोन नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हाइपर हीमोफीलिया। सो थैंक यू।